हृदय से पकड़ लिया, किसी किसी ने शंकर को हृदय से पकड़ लिया, किसी किसी ने शिव को हृदय से पकड़ लिया। भाई मेरी विदिशा जाओ, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आए हुए आप सब शिव भक्त अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। दुनिया के लोग कहते हैं वो छोरे ने मेरी छोरी को अपने काबू में कर रखा है, कोई कहता है उस छोरी ने छोरे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को काबू में कर रखा है, कोई कहता है मेरे बेटे ने बहू को काबू में कर रखा है। ध्यान रखना, कभी बन सके तो एक बार छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा। कभी छाती ठोक कर कहना कि मेरे महादेव ने मुझे काबू में कर रखा है। उसके नेत्र की ज्योति से, उसकी नेत्र की ऊर्जा से, उसके एक लोटे जल से, उसकी एक बेलपत्र से, उसके रुद्राक्ष से, उसके शंकर की झाड़ू से, बुआरी से, द्वार से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी, अरे ओ कैलाशी, अरे ओ अविनाशी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा, क्या जाए, देने वाला तू, प्रदान करने वाला तू, हमारा क्या क्या। तो किसी को देने में तो कमी रखता नहीं, किसको कमी रखे महाराज। रावण को का वर्णन आता है, भगवान शिव की पवित्र कथा का वर्णन आता है, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है, और भगवान नारायण का एक नाम सत्य नारायण, भगवान नारायण का एक नाम। किसकी क्या होती है सत्यनारायण जी की कथा, जरा हाथ उठाइए, जम के, जरा जम के होती है कभी कभी, अरे बोलो तो। महीने, दो महीने, तीन महीने, छह महीने, चार महीने, आठ महीने, दस महीने, बारह महीने में एक नियम बना लो कि हमारे घर में हम सत्यनारायण भगवान की कथा किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर करवाकर, यज्ञ ग्यारी करवाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, क्योंकि सत्यनारायण की कथा भी शिव की कृपा के आनंद में होती है। कहते हैं जहां सत्यनारायण की कथा होती है वहां शंकर की भी कृपा नित्य बनी रहती है, क्योंकि शिव ने ही तो उपदेश दिया है। हमारे यहाँ तो माताएं बड़ा सुंदर सुंदर भजन भी गाती हैं सत्यनारायण जी का। एक बहुत पुराना भजन स्मरण, मेरी माताएं एकांत में बैठकर सुनाती रहती हैं, श्री सत्यनारायण महाराज जी को भोग लगे श्री मेवा को, बड़े भाव दिल से पुकार। अब देखिए संवाद का स्मरण करिएगा, मेरे नारायण ने सत्य कह दिया तो भगवान नारायण का नाम क्या हो गया,
जम जम के बोले जरा जम के। सत्य ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं कह पाए, ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोले। ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश का दर्शन कर कर सिर का दर्शन कर कर वापिस आ रहे थे, तब केतकी के पुष्प को और गौ माता को दोनों को ब्रह्मा जी साथ में लेकर भगवान नारायण ने कहा कि मुझे तो भगवान शंकर का चरण नहीं मिला है, मुझे भगवान शिव का चरण नहीं मिला। कभी जरा विचार करिएगा, ब्रह्मा जी के बुद्धि में भी शंकर जी के प्रति संशय हो जाता तो क्या साधारण व्यक्ति के बुद्धि में शिव के प्रति संशय नहीं होगा? क्या शंकर जी के प्रति संशय उत्पन्न नहीं होगा? जो तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना, कोई कह दे कि बेलपत्र मत खाना, कोई कह दे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलना, उनको ये सारे पत्र विदिशा के ले जाकर उसके घर पे टांग देना, कहना इसमें फोन लगाकर पूछ लो कि शिव को जल चढ़ाने का प्रमाण क्या। शिव को चढ़ी बेलपत्र खाने का प्रमाण क्या है? शंकर भगवान की अविरल भक्ति का बल क्या है? उसको बोलो। श्रवण करने का बल क्या है? अपने भीतर के संस्कारों को अवश्य, संशय कहां नहीं होता। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मदेव के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में संशय उत्पन्न हो गया। कह दिया ब्रह्मादेव ने, ब्रह्मा जी ने, मैं नहीं मानता ये आकाशवाणी झूठी है। आकाशवाणी होकर कह रही है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम असत्य बोल रहे हो, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य। और फिर निवेदन है, पूरी जिंदगी दुनिया के लोग असत्य बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, मरने के बाद जब उसको अर्थी पर लेटा कर ले गए तब दुनिया के लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिवाली मिलने जाओ तो जाते से ही हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट कहो सेठ जी राम नाम सत्य है। थोड़ा सा सेठ जी को भी करंट लग जाएगा और तुरंत बोलेगा क्या रे, क्या मेरा बुरा चाहता? नहीं, पूरा जीवन झूठ में निकल गया, असत्य में निकल गया, छल प्रपंच और कपट में निकल गया, एक मौका मिला है सत्य बोलने का, जीते जी सत्य बोल लो, उससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं। तक चली गई थी शुगर के कारण, खड़ी होती थी गिर जाती, आज देव अधिदेव महादेव की एक बेलपत्र खाने का, जल पीने का क्या भाव है, ये इन बेटियों से पूछा है। सत्य पर जीवन, सत्य पर। और जितनी अपनी जिंदगी सत्यमय जियोगे उतना आपका जीवन सुंदर होगा। सत्यम शिवम
सुंदर। जितना सत्य का जीवन जी सकते। ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, शंकर भगवान ने केतकी के फूल से कहा सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं। गौ माता तू झूठ बोलिए मेरे सामने, तेरा पूरा शरीर पुजाएगा, कन्यादान वस्त्र दान मुद्रा दान स्वर्ण दान अन्न दान सारे दान आगे से होंगे पर गौ दान पीछे से होगा, गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा क्योंकि तू झूठ बोल गई मेरे सामने। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी, गाय की परिक्रमा आगे से नहीं होती, पीछे से चालू होकर पीछे विराम हो। तू झूठ बोल गई मेरे सामने। गौ माता तू जगत की मां कहलाती है, गाय माता भी कहती है मुझे क्षमा कर, मेरे मुख से केतकी का फूल कहता क्षमा करिए मेरे मुख से झूठ निकल गया। ब्रह्मा जी क्षमा नहीं मांग, क्षमा नहीं मांग। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी। भगवान शंकर ने अपने तुरंत पेड़ का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को आज्ञा करी ब्रह्मा का सिर काट दो, जिस मुख से वो झूठ बोल रहा, जिस मुख से वो झूठ बोल रहा। ब्रह्मा जी के सम्मुख में काल भैरव प्रकट हो गए, काल भैरव ने अपना हाथ की उंगली का नख तोड़कर फेंक कर ब्रह्मा जी के शीश को काट दिया, कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, उनके रक्त निकलता गया, कटा शीश भी झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती पर झूठ को प्रमाण चाहिए। सत्य एक दिन उजागर होता ही है, उसको कितना भी दबाया जाए, सत्य को कितना भी दबा ले वो उजागर होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आने वाली पीढ़ी को होगा, पर सत्य सामने जरूर आए। सत्य को कोई नहीं दबा सकता, चाहे दुनिया में कितना भी प्रपंच रच लो, चाहे दुनिया में कितना भी पाखंड रच लो, सत्य को दबाने के लिए तुम सारी पूरी जिंदगी निकाल देना, पर एक दिन सत्य सत्य होता है और सत्य दुनिया के सामने आता जरूर है। दब नहीं दम नहीं, कितना दबाओगे सत्य को, कितना झुकाने का प्रयास करोगे सत्य को, कितना दबाने का प्रयास करोगे। सत्य सम्मुख में आता है, प्रकट होता है, सामने आता है, और आता है तो सत्य सहन नहीं हो पाता, जैसे ब्रह्मा से सहन नहीं हुआ। भगवान ने कह दिया शीश काट दो ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनसे सत्य सहन नहीं हो रहा। काट दिया शीश, लुढ़कता गया लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा नदी भारत की भूमि की वो नदी है जिसके तट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा है इसमें हाथ ना लगाइए, ये कर्मनाशा है इसमें अगर कोई इसके पानी का छींटा भी लग जाता है तो सात पीढ़ी में किया गया पुण्य छिन्न हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच में जल नहीं भरता, जिस नदी का जल एक श्वान भी नहीं पीता, वो कर्मनाशा आज भी बहती है और बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं इस कर्मनाशा नदी का स्पर्श ना किया जाए। विद्वान चतुर संत साधु सन्यासी तपस्वी उस कर्मनाशा नदी को कभी पार भी नहीं करते, क्योंकि कर्मनाशा के जल का छींटा लग गया तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में किया गया पुण्य समाप्त हो जाता है। कर्म नाशा आज भी जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी और ब्रह्मा जी का शीश कटकर जब गिरा, भगवान नारायण ने देखा प्रभु कृपा करिए, शिव कृपा करिए, शंकर करुणा करिए, देवदी देव महादेव ने पूछा नारायण ब्रह्मा जी गलती करे और क्षमा तुम मांग रहे, क्यों क्या कारण है? भगवान नारायण कहते हैं प्रभु आप क्षमा की मूर्ति हो नाथ,
भोले शंभो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आप शांता कारम हो, आप कर्पूर गोरम हो, आप करुणा कारम हो, आप सहज सरल शांत और अपनी चित्त वृत्ति में कैलाश की शीतलता को अपने हृदय में रखने वाले हो, इसलिए आप नम्र हो, आप क्षमा कर सकते हो, आप क्षमा कर सकते महाराज। बहुत ध्यान देना, चाय में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, कॉफी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, बेसन चक्की में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, जलेबी में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, हलवे में शक्कर डालना भूल गए कोई बात नहीं, पर इतना याद रखना अपनी जिभ्या में शक्कर डालना बंद मत कर देना, जिस दिन पानी में शक्कर नहीं है उस दिन सब कुछ बेकार है। अपनी वाणी में शुगर को मिला लो, अपनी वाणी में मिठास को मिला लो, अपनी वाणी में नम्रता को मिला लो, अपनी वाणी में जिस दिन तुमने मिठास को देना बंद कर दिया उस दिन सब बेकार है, सब बेकार, सब कुछ बेकार। चाय में शक्कर नहीं होगी चल जाएगा, चाय में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, कॉफी में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, हलवे में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, बेसन चक्की में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, नुक्ती में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, गुलाब जामुन में मिठास नहीं होगी चल जाएगा, पर वाणी में अगर मिठास नहीं है तो पूरी जिंदगी नरक सा जीवन निकल जाएगा। चाहे तुम बड़े से बड़े औधे पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े अवधे पर पद पर, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बनकर बैठ जाओ, अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं तो परमात्मा भी आपको प्रसन्न नहीं, परमात्मा भी आपकी ओर अग्रसर नहीं। वाणी में मिठास डालिए और वाणी ऐसी बोलिए जो मन का जम जम के बोलो रे विदिशा वालों, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना उल्टा है, आज लोग भाई वाणी भी ऐसी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे झगड़ा उत्पन्न हो जाए, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे लड़ाई उत्पन्न हो जाए, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो जाए, कहीं ना कहीं। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, तुमने कभी किसी पर दया करी, तुमने कभी किसी कोई अच्छा पुण्य का कार्य किया? एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मैंने पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य? गुरुजी एक महिला एक स्त्री सब्जी लेके घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। गुरुजी ने पूछा यह कौन सा पुण्य का कार्य? गुरुजी वो कुत्ते के चक्कर में जल्दी पहुंच गई, मैंने उसका टाइम बचा दिया। इसको पुण्य नहीं कहेंगे, इसको पुण्यता नहीं कहेंगे कि किसी के सब्जी लेने जाने पर कुत्ता छोड़ दो ये पुण्यता हो जाए। नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है भजन करो कीर्तन करो मंत्र जाप करो नाम जाप करो आराधना करो सेवा करो, शिव मंदिर में जाकर चाकरी करो, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाओ, शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ। परंतु शिव पुराण की कथा कहती है अपनी वाणी को संयम में रखना, कहीं इस जिभ्या से किसी का दिल ना दुख जाए, इसका स्मरण अपनी जिंदगी में धारण कर कर रखना। यह पुण्य नहीं कि कुत्ते को पीछे छोड़ दो कोई जल्दी घर पहुंच गए, इसको पुण्य कहेंगे? नहीं, इसको पुण्यता नहीं। अपनी वाणी में नम्रता लाइए, अपनी वाणी में मिठास लाइए। चाय में शक्कर नहीं है कोई बात नहीं, पर अपनी जिभ्या में मिठास होना जरूरी है।